सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं उन वेब सीरीज की जिनकी हिंदी डब की डिमांड फैंस लोग के बीच में काफी ज्यादा है, बट अभी तक जो स्टूडियो है या फिर जो OTT नेटवर्क्स हैं उन्होंने उन शोज को हिंदी में प्रेजेंट नहीं करा है। तो कौन कौन से ऐसे शोज हैं, बिकॉज भाई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शोज थे जिनके मेरे को मैसेजेस आए थे, तो मैंने उन्हीं सबको इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करी है। और दो सारे शोज को इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाने की कोशिश करूंगा। एंड अगर कोई शो मेरे से मिस हो जाए तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना या फिर मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं अगले वीडियो में उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो सबसे पहला शो है जिसके ऊपर मेरे को मल्टीपल क्वेरीज आती रहती है, उसका नाम है द लास्ट किंगडम। एंड ये शो भाई इसके साथ थोड़ा सा अजीब सा सीन हो गया था, पास्ट में अपडेट्स थी कि आप लोग को इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स भी हिंदी में देखने को मिल जाएंगे, बट भाई नेटफ्लिक्स को थोड़ा सा राइट्स का इशू हो गया था, दैट्स व्हाई आप लोग को अभी तक इसके जो पहले और दूसरे सीजन है वो हिंदी में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आप लोग को से ये जो शो है वो हिंदी में देखने को मिल जाता है। तो देखो यार, एज ऑफ नाउ आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि बताया जा रहा है कि आप लोगों को इन फ्यूचर जो इसकी स्टार्टिंग के सीजन है वो भी हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। अभी करंटली आप लोगों को वो सीजन हिंदी में देखने को इस वजह से नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज इसका थोड़ा राइट्स का इशू हो गया था, देन उसके बाद फिर कुछ टेक्निकल इशूज भी बताए जा रहे थे जिसकी वजह से जो हिंदी वाली ऑडियो है वो अभी तक आप लोग को एड होती हुई देखने को नहीं मिली है। रिपोर्ट रिकॉर्डिंग डबिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज अगर season 3, season 4 एंड season 5 इसके डब हो सकते हैं, दैट मींस कि इसके स्टार्टिंग के सीजन को भी नेटफ्लिक्स ने डब करा लिया होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ इसके स्टार्टिंग एपिसोड आप लोगों को बीबीसी के थ्रू नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलते थे, इसी वजह से आप लोग को अभी तक स्टार्टिंग के सीजन हिंदी में देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी जो राइट्स वाला इशू है वो सॉल्व नहीं हुआ है। जैसे वो चीज सॉल्व हो जाएगी आप लोग को पूरी तरीके से जो शो है वो हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। अब देखो जो सेकंड शो है जिसकी हिंदी डब में डिमांड काफी ज्यादा है, बट अभी तक ये शो आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलता है, उसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स। एंड इसके ऊपर मेरे को कितने मैसेज आए मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज जिस टाइम पे मनी हाइस्ट सीरीज को हिंदी डब करा गया था उस टाइम से इस शो के हिंदी डब की थोड़ी मोड़ी अपडेट आनी स्टार्ट हुई थी कि जो नेटफ्लिक्स है वो प्लान कर रहा है इस शो को भी वो हिंदी डब करके ऑडियंस को प्रेजेंट कर सके, बिकॉज इंडिया के अंदर आप लोगों को पता है कि पीकी ब्लाइंडर्स की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बीबीसी का शो है, एंड जब इसके सारे एपिसोड्स बीबीसी के ऊपर प्रीमियर हो जाते हैं देन वो आप लोग को तब नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो भाई इसके अभी तक नेटफ्लिक्स के पास स्ट्रीमिंग के ही राइट्स हैं, नेटफ्लिक्स के पास अभी कंट्रीज के डबिंग के राइट्स नहीं है, दैट्स व्हाई आप लोग को अभी तक ये जो शो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलता है। एंड अभी करंट टाइम में भी जो अपडेट्स मेरे को मिली है उस अकॉर्डिंग भाई अब ये शो का जो हिंदी डब का प्लान था उसको कैंसिल कर दिया गया है, आप लोग को फ्यूचर में बहुत कम चांसेस रहेंगे कि ये शो हिंदी में देखने को मिले, बिकॉज ये शो अब भाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर अब नेटफ्लिक्स इस शो को हिंदी डब कराता भी है तो उसको ऐसे बहुत ज्यादा कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, एंड आपको पता है कि डबिंग में कॉस्ट भी काफी ज्यादा आ जाती है, एंड 6 सीजन को डब कराना कोई भाई आसान काम नहीं है, इससे अच्छा कि किसी नए शो को नेटफ्लिक्स अगर हिंदी में डब करा लेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। सो एज ऑफ नाउ इसके ऊपर अपडेट यही है कि ये शो आप लोग को अभी रिसेंट टाइम में तो हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, अगर इन फ्यूचर के ऊपर कोई अपडेट मेरे को मिलेगी देन वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखो जो थर्ड शो है जिसकी हिंदी डब में डिमांड काफी ज्यादा थी एंड लग रहा था कि इसके season 2 के आने तक आप लोग को ये शो हिंदी में भी देखने को मिल जाए, मैं बात कर रहा हूँ द मैंडलोरियन सीरीज की, जिसकी पॉपुलरिटी भाई वर्ल्ड वाइड के साथ ही इंडिया में भी काफी ज्यादा है, एंड जितने भी स्टार वॉर्स के फैंस हैं वो लोग डेफिनेटली इस शो को हिंदी में देखना चाहेंगे। तो देखो यार द मैंडलोरियन के ऊपर अभी करंट टाइम में जो अपडेट्स आई हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं, एंड यही होता है जब भाई कोई भी सीरीज रनिंग में होती है ना तो उसको हिंदी डब करना थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्योंकि आगे चल के उसके अगले सीजन का भी उसमें थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता है। तो मैंडलोरियन के ऊपर अपडेट यही है कि जब इसका season 3 प्रीमियर होगा तो उसी के साथ आप लोग को इसके बाकी के सीजन भी हिंदी में देखने को मिल सकते हैं। अभी कंटली ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि आप लोग को मैंडलोरियन का जो ट्रेलर है season 3 का वो आप लोग को हिंदी के साथ ही तमिल तेलुगु लैंग्वेजेस में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि डिज्नी के ऊपर जितने भी शोज रिलीज होते हैं उनको हिंदी के साथ ही तमिल तेलुगु में भी डब करा जाता है, तो सेम चीज आप लोग को मैंडलोरियन सीरीज के साथ भी देखने को मिल सकता है अगर अभी रिसेंट में जो अपडेट्स आ रही हैं वो ट्रू होती हैं। तो आगे इसके हिंदी डब के ऊपर मेरे को जो भी नई अपडेट मिलेंगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, बट इस अभी कंटली फैंस लोग की अच्छी खबर यह है कि आप लोग को द मैंडलोरियन सीरीज season 3 के साथ ही हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, इसके करंटली चांसेस काफी ज्यादा है बिकॉज स्टार वॉर्स के अभी रिसेंट टाइम में जितने भी नए शोज को रिलीज करा गया है वो आप लोग को हिंदी डब भी देखने को मिलता है, तो भाई मैंडलोरियन तो आप लोग को हिंदी में देखने को मिलनी ही चाहिए। सो बात करें number 4 की, तो number 4 पे जो शो आता है जिसकी हिंदी डब में डिमांड काफी ज्यादा है बट ये शो आप लोग को अभी तक हिंदी में देखने को नहीं मिला है, उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। ये शो काफी ज्यादा पुराना था एंड करंटली आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाता है, बट जिस लेवल की इस शो के अंदर आप लोग को स्टोरी प्रेजेंट करी गई थी उसे लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं इस शो को हिंदी में भी आना चाहिए, एंड बीच में इस शो के हिंदी डब की अपडेट आई भी थी लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई ये शो आप लोग को हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी करंटली एक उम्मीद की किरण जगी है बिकॉज ये शो नेटफ्लिक्स का कोई ओरिजिनल शो नहीं है, इस शो को इंडिया के अंदर स्ट्रीम करने के राइट्स अभी करंटली नेटफ्लिक्स के पास है, मतलब कि इसके राइट जैसे नेटफ्लिक्स से हटके अगर अमेजोन प्राइम के ऊपर जाते हैं देन चांसेस हाई रहेंगे कि ये शो आप लोग को हिंदी में देखने को मिल जाए, एंड ऐसा मैं इस वजह से बोल पा रहा हूँ बिकॉज अभी रिसेंट टाइम में अमेजोन प्राइम ने काफी सारे पुराने पुराने शोज को हिंदी डब करना स्टार्ट कर दिया है, एंड आप लोग को बहुत बड़ी लिस्ट
लिस्ट अभी करंटली अमेजोन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाती है, जो कि पुराने शोज हैं लेकिन आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। तो सेम केस आप लोग को इस शो के साथ भी देखने को मिल सकता है। अगर इस शो के हिंदी डब के राइट्स अमेजोन प्राइम परचेज कर लेता है शायद आप लोग को फ्यूचर में ये शो हिंदी में देखने को मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ जब तक ये शो आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा तब तक इसके हिंदी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो इस जितने भी लोग ब्रेकिंग बैड को हिंदी में देखना चाहते थे, आप लोग के लिए सैड न्यूज है कि आप लोग को ये शो अभी करंट टाइम में तो हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। सो बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे जो शो आता है भाई, इसकी हिंदी डब में डिमांड इतनी ज्यादा है कि इस शो को अगर अभी नेटफ्लिक्स हिंदी में डब कर दे तो उसकी वजह से नेटफ्लिक्स को काफी सारे नए सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भाई डार्क सीरीज की, जिसने वर्ल्ड वाइड अपना लाइक स्टोरी का डंका बजाया हुआ है एंड जितने भी लोग इस सीरीज को देख चुके हैं वो इस सीरीज की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस लेवल की आप लोग को स्टोरी इस शो के अंदर प्रेजेंट करी गई होगी। अब देखो इस शो के बीच में हिंदी डब की लाइक अपडेट आई थी एंड लग रहा था कि शो आप लोग को हिंदी में देखने को मिल जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई, इसके हिंदी डब का जो प्लान है उसको नेटफ्लिक्स की तरफ से अभी कंटिन्यू डब कर दिया गया है। एंड फिर बाद में अपडेट ये आई कि भाई जब 1899 सीरीज को हिंदी में डब करा जाएगा उसके साथ चांसेस हैं कि आप लोग को ये शो हिंदी में देखने को मिल जाए, बट बिकॉज ऑफ 1899 सीरीज का सीजन 2 भी कैंसिल कर दिया गया है एंड उस शो ने इंडिया के अंदर कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसी को देखते हुए अभी कंटिन्यू अपडेट्स ऐसी हैं कि अब आप लोग को डार्क सीरीज भी हिंदी में देखने को नहीं मिलेगी। करंट टाइम में इसके हिंदी डब का जो भी प्लान था वो सब स्क्रैप कर दिया गया है। अभी सिर्फ नेटफ्लिक्स अपनी नई सीरीज के ऊपर फोकस करेगा एंड जो भी आप लोग को नए शोज अभी कंटिन्यू नेटफ्लिक्स के देखने को मिलेंगे उसमें से मेजोरिटी शोज आप लोग को हिंदी डब में भी प्रेजेंट करे जाएंगे। एंड यही रीजन है कि आप लोग को नेटफ्लिक्स के जो कोरियन शोज होते हैं या फिर आजकल तो एनिमेज भी नेटफ्लिक्स हिंदी डब में प्रेजेंट करने लगा है। एंड एज ऑफ नाउ नेटफ्लिक्स का भाई हिंदी डब में पुराने शोज को प्रेजेंट करने का कोई भी प्लान नहीं है, बट यस अगर इन फ्यूचर नेटफ्लिक्स का मूड चेंज होता है या फिर मेरे को कोई भी अपडेट इन शोज के ऊपर पता चलेगी देन वो मैं आप लोग को डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। सो भाई यही कुछ शोज है जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट करा था इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, लेकिन मेरे को पता है कि और भी काफी सारे मल्टीपल शोज हैं, कुछ एनिमेज भी हैं जिनको मेरे को इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर आप लोग को लगता है कि मैंने किसी शो को मिस कर दिया देन उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं अगले वीडियो में उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। आप लोग किस शो को सबसे पहले हिंदी डब में देखना चाहते हो, आप लोग के जो भी थॉट्स हैं उसको आप लोग बिंदास शेयर कर सकते हो। अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया देन आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।